पूजनीय सदगुरुदेव स्वामी विघ्नेश्वर जी के चरणों में नमस्कार करता हुआ उनकी परंपरा को, उनके परिवार को, उनकी स्थापित किए सिद्धार्थ सागर परिवार को, उनका एक परिवार का अंग होते हुए उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने गुरुजी को अपनाया है और गुरुजी ने उनको अपनाया है। ये अपनाने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? हम चाहे शिष्य गुरुजी को कहें कि हम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की शिष्य हैं, लेकिन यह उतना ही सत्य है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी तुम्हें कहें कि तुम उनके शिष्य हो। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि हम गुरुजी को कहे कि मैं घर में गुरुजी का निखिलेश्वर स्वामी का फोटो रखा हुआ हूँ, रोज पूजा करता हूँ, पांच माला जप करता हूँ, गुरुजी को फूल चढ़ाता हूँ, मेरे सारे कार्य में निमग्न हूँ और कह लेता हूँ कि मैं स्वामी निखिलेश्वर जी का शिष्य हूँ। लेकिन क्या स्वामी निखिलेश्वर जी ने कभी तुम्हें शिष्य कहकर अपनाया है? इसकी पुष्टि किस तरह हो? इसे कौन समझाए कि स्वामी निखिलेश्वर जी ने आपको शिष्य माना है? और हम ये जगत विदित है, सारा संसार जानता है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद ने अगर तुम्हें शिष्य माना है तभी शिवा भैया ने जैसे कहा तुम शेर हो, तुम शेर हो, डरपोक नहीं हो, तुम कोई गीदड़ नहीं हो। लेकिन यह प्रक्रिया कि हमें स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने शिष्य माना है, इसकी पुष्टि करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें किस तरह ये बताना होगा कि हम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने हमें शिष्य रूप में अपनाया है? हमारी ऐसी क्या प्रक्रिया है? बहुत से लोग हम देखते हैं आज पंढरपुर की पंढरीनाथ की एकादशी की महाराष्ट्र में वारी कहते हैं, लाखों हजारों 11 लाख लोग 12 लाख लोग वारी को गए, लेकिन उसमें कितने लोग तुकाराम भगवान तुकाराम महाराज कहलाए, कितने लोग ज्ञानदेव कहलाए, कितने लोग मुक्ता बाई कहलाए, कितने लोग संत निवृत्तिनाथ कहलाए, कितने लोग एकनाथ महाराज कहलाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कितने लोग संत सखुभाई कहलाए, उनमें और इनमें क्या फर्क है? अगर हम आज विचार करें तो बहुत दूर दूर से 400-500 किलोमीटर से स्वामी पंढरीनाथ के चरणों में लोग चलते हुए भजन गाते हुए उनके चरणों में पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या महाराज तुकाराम जी के ऊपर, संत ज्ञानेश्वर जी के ऊपर जैसी कृपा हुई जिन्होंने समाज को बदला और ये बतलाया कि पंढरीनाथ हमारे पीछे हैं, क्या ऐसी प्रक्रिया आज हो सकती है? क्या ऐसी प्रक्रिया हुई है? क्या सभी लोगों ने यह निर्धारण करके बता दिया है कि ऐसा हो सकता है? कितने लोगों ने किया है? ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रक्रिया तो तुकाराम महाराज जैसे भजन हाथ में चिमटी लेकर सब लोग चलते हैं, उन्होंने भी चलते ही वारी की थी, उन्होंने भी भजन गाए थे, पूरी हम तरीके से उनकी वेशभूषा, उनकी ही भांति चलना, उनके भांति उपवास करना, ये सारे करते हुए पंढरीनाथ जी के दर्शन को पहुंचते हैं, चंद्रभागा में स्नान किया, लेकिन हम तुकाराम महाराज नहीं बन सके, हम संत ज्ञानेश्वर नहीं बन सके, हम संत रामदेव नहीं बन सके। ऐसी प्रक्रिया को जिसे हम अपनाते हैं वो अपने अपनाए, वो अपने उन्हें हम उसने हमें अपनाया है, ये बतलाने के लिए हमें क्या करना है? किस तरह इसकी पुष्टि हो? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम किस तीर्थ में जाने के बाद ये प्रक्रिया कर सकते हैं कि भगवान हमारा है, प्रभु हमारे हैं, सद्गुरुदेव जी हमारे हैं और सद्गुरुदेव जी ने हमें अपनाया है, उनके परिवार के हम एक सदस्य हैं जिसका यजमान कनकधारा की वर्षा करवा सकता हो, जिसका यजमान स्वर्ण तैयार कर सकता हो, जिसके यजमान को दशमहाविद्याएं सिद्ध हो, हम उस परिवार के सदस्य हैं तो हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। क्या
उस परिवार के यजमान ने हमें अपने अपने को अपनाया है, हमें सदस्य माना है। अगर माना है तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, और नहीं माना है तो हम आज भी तड़प रहे हैं। आज हम भी ये कहते हुए घूम रहे हैं, ये हमारा ढकोसला है कि हम गुरु जी के शिष्य हैं। इस प्रक्रिया को क्या करने से हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के अपने कहलाएंगे और गुरु जी कहेंगे कि ये मेरा शिष्य है और हम सामर्थ्यवान जीवन जी सकेंगे, हम सामर्थ्यवान जिंदगी बिता सकेंगे, हम चार लोगों को बता सकेंगे कि हम स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं। यही बात जीवन के एक क्षण में नाथ संप्रदाय में मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ आदि जिनका हम नाम सुनते हैं, जिन्होंने कैलाश पर्वत को या वैकुंठ को एक मिनट में हिला दिया था, सारे भगवान विष्णु और शिव जी को भी मूर्छित कर दिया था, ऐसे नाथ संप्रदाय वो महान गुरु परंपरा के लोग, मैंने बहुत बार कहा, जिनका एक ही मंत्र होता है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरी भक्ति मेरे गुरु के प्रति है और मेरे गुरु की शक्ति है तो हे ईश्वर तुझे आना ही होगा, मेरी बात सुननी होगी। ये केवल नाथ संप्रदाय के लोग ही कह सके। कहते हैं कि जिनके वातास्त्र से, जिनका वातास्त्र एक ऐसा अस्त्र है, जिनका मोहिनी अस्त्र ऐसा अस्त्र है जिससे स्वयं शिव भी मूर्छित होकर गिर गए थे, स्वयं विष्णु भी मूर्छित होकर गिर गए थे, स्वयं राम हनुमान जी भी जिनके वातास्त्र से जिनके सामने हार गए थे, ऐसे एक नाथ संप्रदाय गुरु परंपरा भी एक हमारे भारत में चली। नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी अपने योगिक प्रक्रिया के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने एक एक शिष्य को ऐसे शिष्य को चुना जो संसार में इतिहास जिन्होंने रचा, जो सारे भगवान के साथ भगवान जी के सामने जिनके कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे, जिनके नाम से डर जाते थे, चाहे रेवणनाथ जी हो, चाहे जालंधर नाथ जी हो, चाहे गोरखनाथ जी हो, चाहे कनिफा नाथ जी हो, चाहे चौरंगी नाथ जी हो, जिन्होंने अगर वातास्त्र लेकर आगे चले तो भगवान भी कहते थे कि वे लोग नाथ संप्रदाय लोग आए हैं तो नंदीश्वर जैसे भूतगण भी शिव जी के पास रहने वाले सारे गण, बहुत बार उन्होंने वीरभद्र जैसे भैरव जैसे उन लोगों के साथ टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन उनके वातास्त्र और भस्मीकृत अस्त्र मोहिनी अस्त्र के सामने उनका एक न चला। तो ऐसे नाथ संप्रदाय लोग इस भूमि पर हो गए जो केवल गुरु को मानते थे, केवल गुरु ही उनका देव था, केवल गुरु को मानकर ही आगे चलते थे। तो पहले उनके जीवन में क्या सिखाया जाता था, पहले उनके जीवन में यह सिखाया जाता था कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे खड़ी रह जाए। आप देखते हैं सारे नाथ संप्रदाय के लोग अपने कमर में एक काला बहुत बड़ा मोटा ऊनी का धागा बांधते हैं जिससे उनका मेरु ठीक तरह से खड़े हो, वे कभी झुके नहीं। उसके पीछे उनका क्या अर्थ था? पहले नाथ संप्रदाय में यही होता था कि उनके कुंडली जागरण किया करते थे, और जिनकी कुंडली जागरण हुई उनके सामने देवताओं को शाप देने का अधिकार भी होता था। हमने देखा है, चाहे विश्वामित्र हो चाहे वशिष्ठ हो, जिन्होंने गायत्री माता की भी सृष्टि की और उन्होंने ये भी अधिकार रखा कि माता गायत्री को श्राप देने का भी अधिकार रखा। आज गायत्री मंत्र करने से पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र का श्राप मोचन मंत्र पढ़ने के बाद ही गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। जो गायत्री मंत्र के उपासक है वो लोग जानते हैं, जिन ऋषियों ने माँ गायत्री जैसी जो वेदों की सबसे सारे देवताओं की गायत्री मंत्र है, ऐसे गायत्री माता को श्राप देने का अधिकार ऋषि संप्रदाय रख सकता है, तो वो ऐसा कौन सा संप्रदाय है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो देवताओं को भी श्राप देने की शक्ति रखते हैं। और आज हम देवताओं को प्राप्त करने, देवताओं को देखने के लिए हम यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरसा भूत आदि गणों को भी हम सिद्ध नहीं कर सकते, और अपने आप को देवता बनाने में कसर भी कोई नहीं छोड़ते, अपने आप को देवता बना लेते हैं, अपने आप को देवता कहते हैं, लेकिन देवता का कार्य कोई नहीं करते। देवता का कार्य होता है देने की प्रक्रिया, जिसे देने की शक्ति हो वही देवता कहलाता है, और जिसके दिलाने की शक्ति हो वो गुरु कहलाता है।
देवताओं के हाथ से कृपा दिलवाने का कार्य गुरु करता है। मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे संत ज्ञानदेव थे, संत नामदेव थे, संत तुकाराम थे, स्वामी समर्थ रामदास थे, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, इन सभी के गुरु थे। बिना गुरु के एक भी आदमी नहीं था, और इन्होंने गुरु के प्रति निष्ठा रखी, गुरु का मंत्र किया, गुरु के अधीन रहे, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और वो दीवार चलाने के लायक हो गए, एक जड़ को चलाने के लायक हो गए, महाराज भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लायक हो गए, पंडरी नाथ को अपने सामने प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया करने लगे, क्योंकि उनके पीछे गुरु की शक्ति थी। बिना गुरु के किसी ने देवता को प्रत्यक्ष नहीं किया। अब एक भी आदमी को बता सकते हैं किसी ने बिना गुरु के देवता को प्रत्यक्ष किया? बिना गुरु के देवता कभी प्रत्यक्ष नहीं होते, और गुरु के प्रति इसलिए निष्ठा चाहिए। तुम्हारी निष्ठा के साथ साथ गुरु तुम्हें अपनाना चाहिए कि मेरा शिष्य है, और इसे अपनाने की प्रक्रिया के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह एक विधान। ये विधान नाथ संप्रदाय में पहले पहले किया करते थे, पहले शिष्य की कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया किया करते थे। इस विषय में महाराज नाथ संप्रदाय के आदिगुरु मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी एक बार बद्रिकाश्रम गए। बद्रिकाश्रम से आते आते वे सारे तीर्थस्थलों का दर्शन लेते हुए एक जगह आए जहाँ आज का उज्जैन महाकाल उज्जैन का राजपाट है। तो उज्जैन के राजा उस समय मेनाक नाम के एक राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। प्रजा बहुत सुखी थी, इतनी सुखी थी कि राजा के बारे में तरसते थे लोग कि राजा चाहिए तो राजा हो तो ऐसा हो। तो जब मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी गुजरते गुजरते जब वहां से गुजर रहे थे तो मेनाक महाराजा का उनको पता चला कि मेनाक महाराजा की मृत्यु हो गई। उन्होंने देखा कि सारी प्रजा रो रही, सारा संसार सारा राज्य की प्रजा दुखी है। अपने सगे पति पत्नी बच्चे दुखी होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रजा का दुखी होना ये देखकर मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी से कहा कि देख ऐसे एक अच्छे राजा जो संसार में बहुत कम मिलते हैं जिनके लिए प्रजा दुखी है, तो ये राजा कितना महान होगा जिसने इस प्रजा को अपने पुत्र पर देखा होगा। ऐसा राजा मरने के बाद क्या उसकी अकाल मृत्यु हो गई? क्यों प्रजा इतनी दुखी है? तो दोनों भी देखने के लिए उस राजा को देखने के लिए गए। देखा तो उनकी पत्नी विलाप कर रही है, सारी प्रजा दुखी है। तो गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप सब लोग इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे राजा हमारे जन्म में जिन्होंने हमारे हर एक कष्ट हर एक दुख को देखा है, किसी के घर में दुख होता था तो उसको सुख प्रदान करने वाले ये महाराजा आज चले गए, और एक विडंबना की बात है कि उनको पुत्र संतति नहीं थी। अब इसके बाद कौन राजा बनेगा और कौन इसका पालन कर सकेगा, इसलिए हम दुखी हैं। मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी से कहा कि देख इतना अच्छा राजा जिसके कारण प्रजा दुखी है, तो यहाँ हम लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए। गोरखनाथ जी ने कहा क्या लोक कल्याण करोगे? मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा किसको इस राजा को जीवित कर देते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा राजा को जीवित करके क्या होगा, फिर प्रजा थोड़े दिन के बाद तो फिर मर ही जाएगा। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा नहीं नहीं कि इसके इस अच्छाई के लिए इसका एक अच्छा पुत्र भी इसे प्राप्त हो जाए, ये अगर पैदा हो तो फिर इसकी राजा इसका राज्य का पालन भी अच्छा होगा। जिसको संतान नहीं है इनको इस पुत्र को संतान भी प्रदान करेंगे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि राजा बहुत अच्छा है तो उसका बेटा भी अच्छा ही पैदा हो। गारंटी है क्या भाई कि अच्छे बाप का बेटा अच्छा ही पैदा? हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त हुआ और वो स्वयं ब्रह्म भक्त था। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ दोनों गुरु शिष्य में थोड़ी देर बाद विवाद चला। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा मैं तो लोक कल्याण करूंगा। गोरखनाथ जी ने कहा लोक कल्याण करना है तो करो, लेकिन मेरी बात आप सुन लो कि राजा को तुम जिंदा कर दोगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं देता कि उसका पुत्र बहुत ही अच्छा होगा और इस राज्य का पालन कर सकेगा।
मत्स्यकन्याक ने कहा, मत्स्यनाथ जी ने कहा, किसकी आयु तो देखते हैं कितनी है। उसकी आयु देखी गई तो उसकी आयु तो समाप्त हो गई, अब राजा को बचाना तो किस तरह। मत्स्यनाथ जी ने कहा तो इस लोक कल्याण का बेड़ा मैं ही उठा लेता हूं। तो उन्होंने कहा किस तरह उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसके शरीर में प्रवेश कर देता हूँ, मेरी आत्मा को इसमें, इसके शरीर में, राजा के शरीर में प्रवेश करता हूँ, तू मेरे इस शरीर को लेकर यहाँ ठहर जा, बाद में इसको जब एक अच्छी संतान होगी फिर मैं मेरे शरीर में आ जाऊंगा और इस तरह इस राजा के राजकार्य को संभाल कर हम एक अच्छा कार्य करके जाएंगे। गोरखनाथ पहले से भी जरे ब्रह्मचारी के मूड के थे, कभी भी ऐसी चीजों को मानते नहीं थे, और मत्स्यनाथ जी जो थे लोक कल्याण के लिए अपनी तपस्या पूरी डाल देते थे, कहीं भी यही नहीं हुई वहाँ मैनाकिनी तिलोत्तमा अप्सरा थी उसके घर में उसके पास भी चले गए, उसको भी नवनाथ संप्रदाय में उपनाथ पैदा हुए और उन्होंने वहाँ भी नाथ संप्रदाय को चलाया। उनको उनका एक शिष्य परंपरा चलाने का वो गुरु का इरादा था, और ये पूरे ब्रह्मचारी अस्खलित ब्रह्मचारी थे गोरखनाथ जी, लेकिन गुरु को आज्ञा का पालन है। उन्होंने कहा जैसे गुरु की आज्ञा। मत्स्यनाथ जी तुरंत अपने शरीर को शिष्य को सौंप दिया और जैसा ही उस राजा को स्मशान में ले जा रहे थे, राजा एकदम से राम के साथ उठ के बैठ गया। सभी लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि राजा जिंदा हो गए, सभी को खुशी का ठिकाना न रहा। तो राजा आए और रानी वास में रहने लगे, तो रानी रोज जाकर राजा को कहती कि तुम मरे हुए फिर कैसा जिंदा हो गए। राजा कहते थे कि इसमें क्या प्रक्रिया है, यह कोई भगवान का देन है या मेरी आयु बढ़ गई होगी। तो वो कहती थी कि अब आप चले गए तो सारी प्रजा इसलिए दुखी थी कि आपको एक भी संतान नहीं है, कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं करते कि हमें एक अच्छी संतान हो और वो इस संसार इस सुंदर उज्जैनी नगर का पालन कर सके, आप इसके लिए कुछ ना कुछ करो। इधर मच्छिंद्रनाथ जी रानी के साथ जीवन निर्वाह कर रहे थे और इधर गोरखनाथ जी ने उस शरीर को पकड़ लिया और कहा जब इस शरीर को मैं, ये जब तक आए इनको बच्चा पैदा हो और ये सारे हो और मैं इनके शरीर को देखता रहूं तो मेरी तपस्या साधना चली जाएगी, मैं ये कैसे करूं। तो वहाँ एक चरवाह चर रहा अपने गाय भैंसों को चरा रहा था, उसके बाद गोरखनाथ जी गए, बोले अरे भाई यह कोई ऐसी जगह छुपाई वाली अच्छी जगह गुफा वाली जगह है क्या। उसने कहा किस लिए। अरे भैया जरा काम है, मेरा धन वगैरह सब रखा हुआ है उसको छुपा के रखना है, मैं बाद में आके उसे ले जाऊंगा, तो जगह बता सकता है क्या। फिर गोरखनाथ जी को याद आया इसको धन बोलूंगा तो आके कैसा भी ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बोले, एक ऐसी चीज है मैं जाकर वहां रहना चाहता हूँ। तो उस चरवाहे ने कहा हाँ एक जगह है, एक मंदिर में नीचे गुफा है, वहाँ बहुत अच्छी, मैं एक बार गया था और उस चरवाह ने वहाँ लेके जाकर गोरखनाथ जी को उस गुफा को बतलाया जो मंदिर के अंदर थी। मच्छिंद्रनाथ जी का शरीर लेकर गोरखनाथ जी उस शिव मंदिर में गए और उनका शरीर वहाँ रखा, उसके ऊपर एक अच्छा पत्थर रख दिया और गोरखनाथ जी निश्चिंत होकर शिव मंदिर में ध्यान लगाकर साधना करते रहे। बाद में एक दिन गोरखनाथ जी को पता चला कि महारानी गर्भवती हुई है और उसको उनको एक पुत्र पैदा हुआ है और उसी पुत्र का नाम विक्रम रखा गया, वही महाराजा विक्रमादित्य कहलाए। बाद में उनके पिता का नाम वही मैनाकिन था, लेकिन आत्मा मत्स्यनाथ जी की थी और वो आत्मा रहने के कारण विक्रमादित्य विक्रम संवत्सर चला और आज महाराजा विक्रमादित्य का नाम कितने श्रेष्ठ और साधक के रूप में और एक अच्छा राजा के रूप में नाम लिया जाता है। ऐसे पुत्र को जन्म देने के बाद गोरखनाथ जी को याद आया कि गुरु जी अभी लौट के आएंगे और वे इंतजार करने लगे कि उनके गुरु जी आएंगे, लेकिन फिर भी वो अभी नहीं आए तो उनके घर को गए और गुरु जी को नमस्कार किया और कहा गुरु जी चलो लौट चले। तो गुरु जी ने कहा नहीं नहीं कार्य अभी आधा हो गया है और आधा होना है। बोले आधा क्या हुआ है, ये ही बेटा पैदा हुआ है, दूसरा बेटा पैदा करना है। गोरखनाथ जी ने कहा फंस गए, हमारे गुरु जहाँ भी गए वहाँ जाके फंस जाते हैं और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बोले मेरे लिए क्या आज्ञा है। अरे तू जाके शरीर को देख, कितने दिन शरीर को देखो, शिव जी के पास बैठ बैठ के साधना करके आपकी राह देखता रहता हूँ, एकदम एक तरफ साधना देखते रहता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं साधना में ज्यादा दिन बैठ जाऊँ तो आप नहीं आए तो कुछ आड़ की चलेगी तो साधना आधी रह जाएगी, और इंतजार करते करते इतने दिन गुजार दिया, मेरे लिए कुछ आज्ञा ऐसी बोलो कि मैं साधना करूँ और आप कब आते हैं ये बात बता दो, तब तक मैं शरीर को देखते हुए रह जाऊँगा। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा
ये बच्चा बड़ा होते ही आ जाऊंगा, बड़ा यानी कितना बड़ा, अब इतना बड़ा इसकी बात क्या है, दूसरा बेटा हो जाए और ये बेटा जरा पढ़ने के लायक हो जाए, मैं जरूर आ जाऊंगा। गोरखनाथ जी को लगा कि ये कोई अब 10-12 साल की पूरी छुट्टी है अपने को, ये गुरु जी आने वाले नहीं, ये तो यहाँ फंसे हुए हम। तो गुरु जी जैसी आज्ञा, आप जैसे ही मुझे बुला लेंगे मैं आ जाऊंगा, मैं साधना में जा रहा हूँ। अरे मेरा शरीर, आपका शरीर निश्चिंत रहे, आपका शरीर बहुत अच्छा है, उसको कुछ नहीं होगा, आप मैं निश्चिंत रहे मैं जा रहा हूँ, मैं बद्रिकाश्रम तक जाके आता हूँ, आपके शरीर को कुछ नहीं होगा। गोरखनाथ जी तपस्या के लिए चले गए। इधर एक दिन चरवाहा को लगा ये साधु रोज बोलता था उस गुफा में कुछ रख के जाता हूँ, क्या रख के गया, आखिर देखेंगे तो सही क्या रखा। उसने जाके अंदर देखा साधु का शरीर है, वो एकदम डर गया, उसके ऊपर पत्थर रख के वापस आ गया। इधर मैनाकिनी के साथ मत्स्यनाथ जी की आत्मा रहने लगी और उनको दूसरा पुत्र हुआ। उस दूसरे पुत्र का नाम हुआ भर्तृहरि, एक योगी हुए और इस भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई कहलाते हैं। ये भी बहुत बड़े योगी हुए, बाद में विक्रमादित्य बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक दिन गोरखनाथ जी 12 साल हो गए थे और गोरखनाथ जी आए, बोले गुरु जी चलना है, बोले बिल्कुल चलना है, चलना है। ये बात जैसा ही पता चला तो मैनाकिनी को कहने लगा कि अब तू तेरे बेटे को देख, तेरे बेटों को देख ले और उसका राज्य संभाल ले, अब मैं बहुत दिन यहाँ रह गया हूँ, अब मैं चला जाता हूँ, तो अपने बेटों को देखकर यहाँ राज्य को संभाल लेकर तो रहना, मैं जाता हूँ। बोले आना भी तुम्हारा काम, जाना भी तुम्हारा काम, क्या बात। तो इसको इस राज का पता नहीं चला कि मेरे पति गए और जिंदा हुए कैसा, ये अपने थोड़े सीएडी लोगों को लगा दी और बोले ये क्या प्रक्रिया है जो स्मशान में जाने के बाद मेरे पति फिर जिंदा हो के आए, इसको देख लेके आना। तो सब घूमते रहे, जब इस सन्यासी को देखा गोरखनाथ जी को, तो जाते जाते ये गोरखनाथ जी और ये सन्यासी कहाँ ठहरे हुए थे, ये देखते हुए आए। तो आखिर में पता चला उस चरवाहा का पता चला, तो चरवाहा ने कहा ये राज की बात है माँ, आप किसी को नहीं बताती तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो मेरा गला कट जाएगा। बोले यानी तू बता तो बता क्या बात है। बोले ये दो के साथ दो सन्यासी थे, एक सन्यासी का शरीर आज भी गुफा में पड़ा हुआ है और ये सन्यासी उसकी रक्षा करता है। तो माता को पता चला कि ये परकाय प्रवेश वाली प्रक्रिया है, अगर हम मच्छिंद्रनाथ के शरीर को जला देते हैं या टुकड़े कर देते हैं तो ये तो इस आत्मा से बाहर नहीं जाएंगे और ये पति हमारे कभी बन के रहेंगे। उसने अपने सैनिकों से कह दिया कि तुम जैसे ही गोरखनाथ को मैं यहाँ बुला लेती हूँ और खाना वगैरह सब खिला देती हूँ, तुम जाके उस शरीर के टुकड़े बना देना। सैनिक गए, उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वन में सब टुकड़े डाल दिए। डाल देने के बाद ये बात पता चली कैलाश में वीरभद्र भैरव नंदिकेश्वर में, जैसा कहा था पता चला कि उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है। तो इस बात को माता पार्वती ने देखा कि देखो हे शिव, आपके शिष्य मच्छिंद्रनाथ जिनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है, तो शिव जी ने कहा उनके टुकड़े को सब एक इकट्ठा करके ले आना। वीरभद्र और गण नंदीश्वर आदि सभी गणों को कह दिया। तो गणों ने कहा अच्छा अच्छा, ये वही मच्छिंद्रनाथ है जो अपने को मोहिनी भस्म से डालकर अपने को वाताश्र से नीचे करके बेहोश कर दिया था, आज तो ये अपने हाथ में आ गया, अब इसके हड्डियों का हम देखते हैं क्या करना है। शिव जी तो वैसा ही बोलते हैं, अब इसको हम मजा चखाएंगे। उन्होंने सारे उनके टुकड़ों के उनके अस्थियों की टुकड़ियां ले ली और ले जाकर छुपा के रख दिए एक जगह। शिव जी ने पूछा कहाँ रखे हैं। गुरु जी बहुत भगवान जी उनको बहुत अच्छी तरह हमने रखा है, आप बेफिक्र हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी तरह रख दिया है। इधर बाद में जैसे ही आत्मा छोड़ने की बात हुई, उनके शरीर के साथ आए और गोरखनाथ जी से पूछा कि चल मेरा शरीर कहाँ है, अब मैं आत्मा प्रवेश करना चाहता हूँ। गोरखनाथ जी आए शरीर को देखने लगे तो शरीर नहीं, पूरे ज्ञान नेत्र से देखा उन्होंने कि शरीर कहाँ हुआ। तो उन्होंने देखा कि रानी मैनाकिनी ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए हैं और उन टुकड़ों को वीरभद्रादि गणों ने उठा के ले गया। ये जैसा है उनको पता चला कि वीरभद्र गणों ने ले गया है, गोरखनाथ जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने सीधा कैलाश पर्वत पर चले गए और कहा उन्हें मेरे गुरु का शरीर वापस कर दो वरना देखो। तो नंदीश्वर आदि ने कहा हम तुम्हारे लिए युद्ध के लिए तैयार है, तुम्हारे गुरु के शरीर को तो नहीं देंगे। ये बात शिव जी को तक पहुंची ही नहीं थी। तो तुम्हें एक बार नहीं दो बार तीन बार हरा चुका हूँ, अब फिर भी आप वही वैसे ही हैं। फिर वे अस्त्र और सारे आयुधों को लेकर उनके ऊपर आए
और इन्होंने फिर गोरखनाथ जी ने अपना वातास्त्र उनके ऊपर छोड़ दिया, तो सारे लोग मूर्छित हो गए। शिव जी भी आए और शिव जी को कहा कि मेरे गुरु की अस्थियाँ, मेरे गुरु के शरीर के टुकड़े टुकड़े जो हो गए इन्होंने छुपा के रखे हैं, और शरीर के टुकड़े मेरे मुझे दे दो। शिव जी ने मत्स्यनाथ जी के शरीर के टुकड़े दिए और इन्होंने संजीवनी मंत्र से फिर अपने गुरु को एक शरीर बनाया। जैसा ही नीचे आए उनकी आत्मा उनमें आई और राजा अपना शरीर छोड़ दिए। और इसके बाद मैनाकिनी को इनके शक्ति का पता चला कि कितने महान हैं, लेकिन इनसे पाप प्राप्त उन पुत्रों को देखकर वे बहुत ही संतुष्ट हुई और उन्होंने कहा कि महाराज जाते समय एक बात करके जाना। क्या? उन्होंने कहा कि इन पुत्रों का विवाह कर दो ताकि मैं भी एक गंधर्व कन्या हूँ, शापग्रस्त होकर इस पृथ्वी पर आई हूँ, मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, मेरा भी समय पूरा हो चुका है। इनकी पत्नियाँ आ जाएं तो आप आपकी कार्य पर चले जाइए और मैं मेरे कार्य पर चले जाती हूँ। जो पुरोचन नाम के गंधर्व के साथ यहाँ आई थी और वह मैनाकिनी के शाप से मुक्त होना चाहती थी, उन्होंने जब यह बात उनसे कही कि मुझे जाना है, तो उन्होंने उनसे उनके साथ कहकर कहा कि अब हम यहाँ से विदा हो जाएंगे। तो विक्रमादित्य जी की शादी उन्होंने करवा दी, विक्रमादित्य महाराजा हुए, उनकी शादी भी। तो उनका भाई भर्तृहरि भी था, भर्तृहरि ने कहा मैं भी शादी के लायक हो गया हूँ, मेरी भी शादी कर दो। तो उनके लिए रानी ढूंढने के लिए गए तो एक अवंती नगर की विदर्भ की एक बेटी थी जिसका नाम था पिंगला, बहुत सुंदर थी, जो अत्यंत सुंदर थी, जिसकी सौंदर्यता के लिए देवता भी जिसकी सुंदरता को देखकर रिझा जाते थे। ऐसे पिंगला से भर्तृहरि की शादी थी। भर्तृहरि जिसके सौंदर्य में बहुत ही आसक्त हो गए। उसके बाद कहते हैं कि इतना होने पर भी उन्होंने 4, 5, 6, 7 शादियाँ की और 8 बारियाँ उनको भर्तृहरि को भी, जो श्रृंगार में बहुत ही श्रेष्ठ थे, और उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। पिंगला जैसी सुंदर पत्नी होने के बाद भी उन्होंने 8 भारियाओं को किया और वे उनके साथ संसार करने लगे। एक दिन की बात है, ऐसा ही भर्तृहरि और पिंगला दोनों बैठे हुए थे, तो पिंगला ने अपने पति से कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? तो क्या? मेरी इच्छा है कि मैं आपसे पहले मर जाऊँ, सौभाग्यवती मर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी कोई प्रक्रिया करें कि मैं विधवा ना हूँ। भर्तृहरि बोला कि मेरी पिंगला मुझसे कितना प्यार करती है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तेरा विरह सहन नहीं कर सकूँगा पिंगला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले जाऊँ, लेकिन मैं पति होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर आप पहले चले भी गए तो मैं सती जाऊँगी, ऐसा पिंगला का कहना था। तो भर्तृहरि ने कहा कि सचमुच पत्नी मेरी कितनी मुझसे मेरे ऊपर कितना प्रेम रखती है। और एक दोनों पति पत्नी अपने अष्ट भार्याओं के साथ एक बार वन में विहार करने चले गए। तो उतने में मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेरा बेटा भर्तृहरि श्रृंगार में 8 भार्याओं के साथ पिंगला के साथ इतना डूबा हुआ है कि वो किसी को देखने के लिए तैयार नहीं। राज्यपाट नहीं, सिर्फ पत्नियाँ, अपना सुख, अपना ऐश्वर्य, अपना सारी विलासता, ये देखकर उनको आश्चर्य लगा कि मेरा वीर्य, मेरा श्रेष्ठता, फिर भी इतना श्रृंगार। तो उन्होंने कहा कि बेटे को मैं तो समझा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की प्रार्थना की और भगवान दत्तात्रेय को कहा कि प्रभु ये मेरा अंश है, भर्तृहरि एक महान व्यक्तित्व है, लेकिन ये इसमें सारा गुंथा हुआ है, आप गुरु है, आप उसको कुछ समझाइए, आप उसको कुछ इस मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले जाइए। भगवान दत्तात्रेय ने कहा मत्स्यनाथ तू कहता है, मुझे पता है भर्तृहरि मेरा शिष्य है, मैं उसे किस तरह ले जाना चाहता है मैं जानता हूँ और मैं उसे मेरे मार्ग में ले जाऊंगा। एक दिन दत्तात्रेय जी आए तो ये वन में जब विहार कर रहे थे तो उन्होंने एक अपनी माया नगरी रची जिसमें पानी ही पानी नहीं था, और भर्तृहरि को इतनी प्यास लगी कि वह प्यास के कारण तड़प रहे थे। तो दत्तात्रेय जी ने एक कृत्रिम सरोवर का निर्माण किया, जो देखते सरोवर उस पानी पीने के लिए, वहाँ जैसे ही भर्तृहरि आए और उन प्यास से पानी पीने के लिए देखने लगे तो दत्तात्रेय जी ने कहा ऐ ठहर जा, तो कौन है,
तो उन्होंने कहा क्या बात है महर्षि, अब तो कोई ऋषि दिख रहे हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। शर्त है वो पानी तुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। बोले तुम जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अभी प्यास लगी, मैं पहले प्यास बुझाना चाहता हूँ। पहले मुझे वचन दे। क्या? पहले मुझे वचन दे कि तू अपने पत्नियों को छोड़कर 12 साल मेरे साथ रहेगा। एक मिनट के लिए भर्तृहरि आश्चर्य चकित रह गए। बोले संसार करने वाला हूँ मैं, इन सभी को छोड़कर किस तरह आ सकता हूँ? तो फिर पानी नहीं मिलेगा, प्यास तो बहुत लगी हुई थी। उन्होंने कहा इस ऋषि को उस समय तो कुछ ना कुछ कह देते हैं, भाई तुम जैसा कहते हो वैसा मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पहले आप मुझे पानी तो पीने दो। बोले पानी पीने देने के बाद मुझे लगता है तू झूठ बोलेगा, मुझे वचन देना होगा, नहीं तो मैं तुझे पत्थर बना दूंगा। अब वे डर गए कि ये पत्थर बना देगा। बोले गिड़गिड़ा कर पांव जोड़कर कहने लगे, पांव हाथ जोड़कर, भाई पहले प्यास लगी है, प्यास बुझा लेता हूँ। एक बात तुम याद रखो, जिसके बच्चे हों, जिसके बच्चे बड़े हुए हों, जिसकी पत्नियां हों, उनका सभी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ये सब अपनी अपनी सारी प्रक्रिया अपनी यही है, लेकिन गुरु जानता है कि अपने शिष्य को किस तरह बदलना होता है। उन्होंने कहा तो क्या कहता है? मुझे केवल 12 साल का समय दे दो, मैं 12 साल के बाद अवश्य इसी सरोवर पर आकर आप जैसा करेंगे वैसा कहूंगा। तो दत्तात्रेय ने कहा वचन है? बिल्कुल कहा उन्होंने वचन है। और वे पानी पिए और पिंगला की तरफ देखते हैं, कहा मेरी ये सुंदर पत्नी है। दत्तात्रेय युग लगा इस सुंदर पत्नी में फंसा हुआ ये यहाँ से तो बाहर हटने वाला नहीं है, देखेंगे इसकी सुंदरता कहाँ तक है। तो उन्होंने पिंगला की तरफ देखकर कहा तुम्हें क्या वरदान चाहिए? उसने क्या क्या वरदान चाहिए? बस इतना सुंदर पति मिला है, इससे और क्या चाहिए? भर्तृहरि को लगा कि ये पूछेगी कि मुझे वैधव्य नहीं चाहिए, मुझे सतीत्व प्रदान करो, ऐसा ही उस ऋषि से पूछेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा सुंदर पति ही चाहिए, मेरा सुंदर पति है, मुझे सौभाग्य है, मेरा पति मुझे सब कुछ सुख दे रहा है, यही बात उसने कहा। और भर्तृहरि ने भी यही कहा मुझे सुंदर पत्नी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इन सुंदरता को गुरु ने तो देख लिया कि सुंदरता कितने दिन की टिकने वाली है, और उन्होंने कहा ठीक है आपको आशीर्वाद है आप जा सकते हैं। पिंगला को लेकर वे जैसे ही घर को आए, पिंगला फिर बैठे बैठे यही बात कहने लगी कि प्रभु पति हो तो आपके जैसा पति हो तो आप जिस तरह प्रेम करते हैं वैसा पति चाहिए मुझे, और इतनी अष्टभार्याएं होने पर भी आप मुझसे जितना प्यार करते हैं मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं कुछ नहीं दे सकती, मैं केवल आपके जीवन का, आपके प्यार का, आपके मोहताज, ऐसा वह कहने लगी। और इस बात के बार बार कहने पर कभी कभी भर्तृहरि को लगता था ये झूठ तो नहीं कह रही है मुझे, रोज ये बात क्या करने की जरूरत है? सच्ची पतिव्रता होती तो ये बात कह देती कि भाई तुम्हारे साथ में मरना चाहती हूँ, बात खत्म हो गई। ये रोज कहती है मुझे ऐसी ऐसी क्यों बात, ऐसे क्यों कहती है? लेकिन लगा कि इसकी एक बार परीक्षा ली जाए कि क्या ये सतुष्ट मेरे बगैर नहीं रह सकती, ये मेरे बगैर मर जाएगी। तो बात होगी भगवान दत्तात्रेय जी ने एक माया रची और वे एक साधु के वेश में भर्तृहरि के राज दरबार में आए। राज दरबार में आकर कहने लगे हे महाराज भर्तृहरि जी, मैंने सुना है विक्रमादित्य का राजपाट और आपका राज दरबार, आपके रानियों के साथ आपका रहने का व्यवहार, आपके सब में प्रजा बहुत सुखी है। मुझे देखकर ये लगता है कि मेरे पास मेरी तपस्या का एक बहुत बड़ा अंश है, मैंने बहुत बड़े तपस्या की है। मेरी एक ही इच्छा है, इतनी तपस्या होने पर भी मैं कभी भी धन के अभाव से पीड़ित रहा हूँ, मुझे धन नहीं मिला, मुझे पत्नी नहीं मिली, अच्छी पत्नी नहीं मिली। मेरे पास एक अमर फल है, ये जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, उसको मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा अमर फल मेरे पास है। मैं इस अमर फल के बदले में मैं आपसे धन चाहता हूँ, अच्छी स्त्री चाहता हूँ, अच्छा सुख चाहता हूँ, क्या आप मुझे प्रदान करेंगे? भर्तृहरि एक मिनट में सोच में पड़ गए, बोले अमर फल है इसके पास, तो मेरी पत्नी कहते हैं कि मेरा अमरत्व रह जाए तो वो सतीत्व प्राप्त करेगी, और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह रहे, तो इसमें क्या है कि उसके पास अमर फल ले लेंगे तो उसको धन प्रदान कर देंगे, धन दे देंगे, रानियां दे देंगी। उसने वो अमर फल महाराजा भर्तृहरि को दे दिया और उसको धन आदि देकर उसको विदा कर दिया। और महाराज भर्तृहरि जैसे राज दरबार से सीधा कभी भी वो अपने कक्ष में जाकर महारानियों को बुला लेते हैं, लेकिन वे उस दिन सीधे सीधे पिंगला के कक्ष में चले गए। पिंगला वहां सहमाई हुई थी, उसने देखा कि महाराज एकदम राज दरबार से मेरे पास बहुत खुशी खुशी से आ रहे हैं, क्या बात है? महाराज जैसे आए, बोले आज मैं तुझे एक ऐसा उपहार दूंगा तो जीवन भर मुझे याद रखेगी। तो प्रभु आज तक आपने क्या कम दिया है जो आप मुझे आज
और नया उपहार देने जाएंगे, क्या है मुझे बता तो दो। तो उसने कहा, एक साधु मेरे पास आया था, उसने मुझे एक अमर फल दिया है। मैं चाहता हूँ कि पिंगला तू नित्य नवयौवनवान बनी रहे, मैं तेरी सुंदरता को निहारता रहूं और इसी तरह तू इस अमर फल को खाकर तू अमर बन जा और मैं तेरे सामने तेरे को देखते देखते मैं मर जाऊं, ये मेरी इच्छा है। तो पिंगला ने कहा, नहीं महाराज जी, यह फल आप ही अगर खा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे मेरा सतीत्व रहेगा और मैं आपकी स्त्री बनकर रहूंगी। तो भर्तृहरि ने कहा, ऐसी बात नहीं है पिंगला, मैं कह रहे वैधव्य को या तेरी सुंदरता को, अगर तेरी सुंदरता चली जाएगी कल के दिन तो बूढ़ी हो जाओगी, तो मैं आज 8 भार्याओं को क्या होकर 10 भार्याओं को करूंगा, मैं राजा हूं, लेकिन तू ऐसा कार्य नहीं कर सकती, इसलिए तेरी सुंदरता अक्षुण्ण बनी रहे और मैं तेरे साथ प्रेम करता रहूं, इसलिए यह अमर फल तुझे देना चाहता हूं। पिंगला ने कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा, पति की आज्ञा ही पालन, पति की आज्ञा करने का पालन ही पति पत्नी का धर्म होता है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही कहूँ करूंगी। उस अमर फल को उन्होंने दिया तो पिंगला ने कहा, प्रभु अभी आप कक्ष में आए, मैं स्नान वगैरह करके पूजा करने के बाद इस अमर फल को खा लूंगी, कल सुबह स्नान करके इस फल को खा लूंगी और मैं अमरत्व को प्राप्त करूंगी। महाराज रात में वही उसी कक्ष में सो गए और जब महाराज पूरी तरीके से सो गए सेवा में, पिंगला रात में उठी और उनके एक अस्तबल में एक बहुत हट्टा कट्टा नौजवान था, पिंगला का संबंध उसके साथ था, ये कभी नाटक क्रिया करती थी। तो उसने कहा कि अगर ये फल ले जाकर मैं अगर उस मेरे अस्तबल के उस नौजवान को दे दूं तो वो जितना हट्टा कट्टा रहेगा मैं सुख उससे उसके साथ अनुभव कर सकूंगी, मैं रोज रात में जो जाती हूँ ये तो 8 भार्याओं के साथ कहीं भी पड़ा रहता है, मेरी सुंदरता तो वो देखता है, मैं ये अमर फल उसे दे दूं। तो रात में जब महाराज सो गए वो गई और उस अस्तबल के सैनिक को बोला, ये अमर फल मैं तुझे दे रहा हूँ जिसके खाने से तू स्वस्थ रहेगा, तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और मुझे भी आनंद सुख मिलेगा। उसने उसको अमर फल दे दिया तो उसने कहा, तो अमर फल खा ले। तो उसने कहा, नहीं पिंगला रानी, इसको ऐसे ही मैं अभी अस्तबल में हूँ, कल सुबह पूजा करूंगा तब इस फल को खा लूंगा, आज तो ये मेरे पास रहने दो, मैं कल सुबह खा लूंगा। उसकी बात सुनकर रानी पिंगला उसके साथ रही और सुबह वहां से चलेगी और वह जो जिसका नाम समीर था वो अस्तबल वाला वो फल को ले गया और उसने कहा कि रानी कल रोज इसके साथ रह रहे के तंग आ गया हूँ, इसकी ज़बरदस्ती है, जैसा करते हैं वैसा करना पड़ता है, रात भर रहकर इसके साथ मेरा प्रेम तो है नहीं, महाराजा को छोड़ के आई फिर जान पर पड़ी हुई है, कभी अगर नहीं कहूँ तो काम मार डाल के, इसके डर से इसके साथ ही जैसा भी कहती वैसा रहता हूँ, मेरी तो सुंदरी है वो वेश्या है जिसके पास मैं जाता हूँ, अगर ये वेश्या को मैं फल दे दूँ तो बड़ा अच्छा रहेगा और मैं मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकूँगा। उसका नाम था, उस वेश्या का नाम था ईडा और वो सुबह सुबह उठा और वो फल ले लिया, ले जाकर बोला, ईड़ा मैं तो उस रानी से तंग आ गया हूँ, अब तू ये फल खा ले, महारानी तो बूढ़ी हो जाएगी, ये वे फल तू खा ले तो कभी भी ना वो यौवनवान बनी रहेगी और मेरे लिए अच्छा रहेगा और तेरे पास भी लोग आते हैं, मैंने तो तुझे आज तक कुछ नहीं किया, कुछ खुश नहीं कर सका, ये अमर फल तू खा ले और तू अमर बन जा। बात उसको लगी तो वेश्या ने कहा कि ये बात भी ठीक कहता है, लेकिन वेश्या बहुत इतनी अच्छी थी कि उसने कहा कि इतना बड़ा राजा ये वेश्या है, मेरा शरीर आज तक कितने ही लोगों को भोग का कारण बना, इस अस्तबल के कारण का मैं वेश्या बनकर मेरे शरीर को दे सकी हूँ, मेरे महाराज भर्तृहरि दिन ब दिन वृद्ध होते जा रहे हैं, अगर मैं ये फल मेरे महाराज को दे दूँ तो लोक कल्याण हो जाएगा, मैं ये फल अगर ले जाकर महाराज को दे दूँ तो बहुत अच्छा है। ये सोचकर उसने ईड़ा ने क्या किया, इससे तो कह दिया कि मैं सुबह कल सुबह खा लूंगी और वो सुबह राजदरबार में गई और महाराज को नमस्कार किया, भर्तृहरि जी को, भर्तृहरि जी ने कहा, हे वेश्या ईड़ा तू यहाँ किस लिए आई हो? तो महाराज मैं क्या बताऊँ, मैं एक पाप, आज तक तो मैंने पाप किया है लेकिन आपके राज्य पालन का, आपके प्रजा सुख का, आप वेश्याओं को भी कितनी अच्छी दृष्टि से देखते हैं और यहाँ राज्य पालन कितनी अच्छी तरह कहते हैं, ये देखकर मेरी एक इच्छा हुई, मुझे एक साधु ने, एक देवता ने एक अमर फल दिया है, उस फल को खाने के बाद व्यक्ति अमर बन जाता है, ये अमर फल मैं आपको दे देकर मैं कृतार्थ होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अमर फल आप खा लें और इस संसार में आप श्रेष्ठता श्रेष्ठ प्राप्त करें और आप हजारों साल तक राज्य करते रहें। भर्तृहरि एकदम औचक्के रह गए और उनको लगा मैं मेरी प्रियतमा पिंगला को यह फल लिया था, ये अमर फल आया कैसा इसके पास, और
वे बहुत ही विचार में पड़ गए। उन्होंने तो उसके पास से वो अमरफल ले लिया और उसे बहुत धन आदि देकर भेज दिया। भेजने के बाद सीधा अपने रानी के पास गए और बोले, महारानी मैंने वो अमरफल लिया था वो आपने खा लिया? महाराज आपकी आज्ञा, जिस दिन आपने दिया उसी दिन मैंने खा लिया। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। तो मेरे पास एक और एक अमरफल आया है। उसने वो देखा तो उसको लगा कि अमरफल आया है, ये तो अमरफल वही दिया हुआ है। लगा रानी का मुंह के ऊपर के चेहरे ने भर्तरन ने पढ़ लिया कि इसमें दाल में कुछ काला। और उन्होंने कहा, महारानी जैसा भी तूने अमरफल खा ही लिया है तो क्या मैं अगर तेरा सर भी काट दूं तो जिंदगी रह जाएगी, तू मरेगी तो नहीं। जरो सैनिक को बुला बुला और इसका सर काट दो। बोले पिंगला का, वो डर के कांपने लगी। बोली, महाराज ऐसी बात नहीं है, मैंने अमरफल नहीं खाया है। तो बोल अमरफल किस कहाँ गया? तो क्या उसने कह दिया कि माँ महाराज ऐसी बात नहीं, अमरफल कहीं भी हो सकता है, उसमें क्या दूसरा फल भी हो सकता है, आप मुझे माफ करो। माफ करने की बात नहीं है, ये बता दे तू अमरफल तूने किसको दिया? ये फल दिया है तो दिया है, बहुत नहीं दिया है तो नहीं दिया। जो वो कहने के लिए तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कहा, सैनिक आ जाए और इसका सर काट दे। तो वो गिड़गिड़ाती हुई बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा और अस्तबल का समीर जो है उसके साथ मेरा संबंध है, मैंने ये फल उसको प्रदान किया था। ये लगा कि अस्तबल के अगर उस सैनिक को ये फल उसने दिया था तो वो खाने का बेचारा अमर हो जाता था, उसने किसको दिया जो ये फल मेरे पास यहाँ तक आया? उसको बुलाया गया। उसने कहा, अगर मैं सच मान लेता हूँ तो रानी मार डालेगी, झूठ बोलता हूँ तो राजा मार डालेगा। दोनों से गए इधर से उधर, कहीं भी नहीं रहा। अगर सच बोल देता हूँ कि महारानी मेरे पास रोज आती है तो सर कटेगा ही कटेगा, और नहीं बोलता हूँ कि नहीं आती तो अमरफल कहाँ से आए, ये कहाँ से बताओ? उसने कहा, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं राज दरबार में ये बात बताना नहीं चाहता, मैं आकर आपको अलग कमरे में बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा, जो भी बात होनी है मेरी प्रजा के सामने होनी चाहिए, मैं न्याय प्रिय हूँ, जो भी हो यहीं होनी चाहिए, तो बोल तुझे क्या हुआ। उसने सीधी सीधी बात बता दी कि महाराज मेरा और पिंगला रानी का संबंध बहुत दिनों से है, मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी पिंगला रानी मेरे पास आती है, मैं पिंगला रानी के पास नहीं, पिंगला रानी ही मेरे पास आती है, और इसलिए उन्होंने मुझे ये फल प्रदान किया था। तो बोले, तू खा लेता है ये फल, तूने किसको दिया? तो महाराज बोले, जैसा वो मेरे से प्यार करती है वैसा ही मैं उस वेश्या से भी प्यार करता था। मैं समझा कि वेश्या यौवनवान बनी रहे, इसलिए वो फल उसको देने के लिए गया और मैंने फल उस वेश्या को प्रदान कर दिया। और बात की कहानी भर्तृहरि को मालूम हो गई कि भर्तृहरि ने उस वेश्या से वो फल लिया। तो भर्तृहरि को लगा कि संसार में जो चापलूसी पत्नियां होती है, कि मैं तुम्हारे सामने सती जाती हूँ, तुम्हारे से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे से मैं विधवा नहीं देखना चाहती, ये सब चापलूसी पत्नियां जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है, ये सब गुरु की माया थी। उनके दत्तात्रेय भगवान की जो उनके पिंगला से बहुत प्यार करते थे, उन्हें ऐसी माया डाल दी थी कि उनको उसी दिन वैराग्य हो गया। भर्तृहरि ने कहा, पिंगला जैसी स्त्रियां इस संसार में ना हो, और वे वैराग्यवान हो गए। वैराग्यवान हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसी स्त्रियां हो या ना हो इस संसार में, ऐसा कभी उसके जीवन में इतना प्यार करने वाली और ऐसे झूठे बात बोलने वाली पत्नियों को कभी मानना नहीं। और उन्होंने उसी दिन से श्रृंगार शतक से हटकर वैराग्य शब्द नाम का भर्तृहरि का बहुत ही बड़ा शब्द सुंदर है, जिसमें उन्होंने वैराग्य किस तरह इस संसार में प्राप्त किया जाता है, सच्ची सौंदर्यता क्या है, इसका उन्होंने वर्णन किया। उसे भर्तृहरि का वैराग्य शतक कहा गया है। और वो वैराग्यवान होकर तब तक उनके 12 साल हो गए थे और अपने गुरु की राह देख रहे थे। भगवान दत्तात्रेय जी आए, आने के बाद भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में गिरकर कहा कि जिस पिंगला के प्रेम में फंसा हुआ था प्रभु, आपने मुझे उससे बता दिया और मुझे बता दिया कि संसार में क्या प्रियवान चीज है और क्या अप्रिय है। प्रभु, मैं आपके चरणों में गिरकर यह चाहना चाहता हूँ कि मैं वैराग्य पूर्ण तरीके से वैराग्यवान हो गया हूँ, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा उद्धार हो, मैं संसार में अपनी चीजों के लिए आज तक भटकता रहा। भगवान दत्तात्रेय जी ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि तू गिरनार पर्वत पर आ जा। आज भी कहते हैं कि भर्तृहरि का वास गिरनार पर्वत पर है, जो देवताओं की दृष्टि प्रदान करने में, देवताओं की प्रसन्नता प्रदान करने में आज श्रेष्ठ ऋषि कहलाए जाते हैं। ऐसे भर्तृहरि का वास गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय जी ने उनको दिया और मच्छिंद्रनाथ जी जो उनके पिता कहलाते थे बद्रिकाश्रम से आए गोरखनाथ, और मच्छिंद्रनाथ जी ने उनका वैराग्य शतक पढ़ा और उनके मुंह से भी वाह निकल गई कि ऐसा वैराग्य शतक पहले कभी नहीं देखा। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने भगवान दत्तात्रेय से पूछा
की यह क्या प्रक्रिया थी जो बहरी इतना स्त्री लोलुप था, इतना स्त्रियों में पड़ा हुआ था, जिसे मैं भी नहीं निकाल सका, कि भगवान दत्तात्रेय जी आपने उसे उसके बाहर कैसा निकाला। तो भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने इला नाम की वेश्या की सृष्टि की, समीर नाम की सुषुम्ना नाम की नाड़ी को सृष्टि किया जो अस्तबल का एक सैनिक था, और अमरफल की सृष्टि की जो पिंगला नाम की नाड़ी थी। ये सुषुम्ना इड़ा और पिंगला तीन नाड़ियां हैं। भर्तृहरि के जीवन में जो चैतन्य होकर केवल पिंगला ही नाड़ी जागृत थी, और उस पिंगला नाड़ी को जागृत रहने के कारण वो स्त्री लोलुप हो गया था, जिसके सुषुम्ना और इड़ा इन दोनों नाड़ियों का जब मैंने ज्ञान दिया तो उसे अपने वास्तव्य का पता चला कि मैं क्या हूं, और इसे ही कुंडली जागरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं। और एक गुरु होता है जो अपने शिष्य को बदलने के लिए यह प्रक्रिया करता है, उसको मोह से हटाने के लिए प्रक्रिया करता है, उसको मोह से हटाने के लिए यह प्रक्रिया इसलिए कहता है कि उसके धन का लालच जिसमें पड़ा हुआ है, जो अपने पति पत्नियों को छोड़कर नहीं आना चाहता, जो भगवान के पास नहीं आना चाहता, उसको किस तरह उसको पलटाना चाहता है वो उसको बता देता है, उसे उसी जिस पैसों को वो चाहता है उस पैसों से उसका कितना खर्च है उसे बता देता है, जिस वेश्या से वो प्रेम करता है उस वेश्या से उसको कितना हानि है वो बता देता है, जिसको पीने का शौक है उसे बता देता है कि उस पीने से उसका किसी किस तरह की बर्बादी है। ये गुरु का कार्य है कि वो किस तरह बर्बाद हो जाता है अपने संसार को, स्वतः को और सारे परिवार को, समाज के लिए वो कीड़ा है, उसका उद्धार किस तरह किया जाए ये गुरु जानता है, और उसको पलटने की प्रक्रिया जो गुरु करता है उसे यही सुषुम्ना इड़ा पिंगला की भर्तृहरि की कहानी बताती है। भगवान दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि को ये देते हुए श्रृंगार शतक से लेकर वैराग्य शतक और वैराग्य शतक से लेकर नीति शतक तक उन्होंने तीन शतक लिखे, तीन शतक तीन तरह के एक सौ दोहे, सौ प्रकार के श्लोक जिसे कहा जाता है, जिन्होंने तीन लिखे, एक श्रृंगार शतक, दूसरा वैराग्य शतक और तीसरा नीति शतक, कि संसार में किस तरह जीना चाहिए, गुरु के प्रति अपनी अपना क्या कर्तव्य होता है, गुरु के प्रति किस तरह जिए। और उस भर्तृहरि के इस प्रक्रिया को मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि आप जिस मोह में पड़े हुए हो, जिस मोह के बारे में जानते हो कि मैं गुरु से हम पैसा पूछना चाहते हैं, गुरु से हम स्त्री पूछना चाहते हैं, गुरु से हम हमारे पुत्रों की वृद्धि पूछना चाहते हैं, कल के दिन ये सब लोग तुम उनसे उतना ही लगे रहो जितना तुम्हें लग के रहना है, अगर ज्यादा तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हारे दुख का कारण वही बनेंगे, वही पैसा, वही पत्नी, वही पुत्र, वही धन धान्य, वही परिवार और वही तुम्हारा साम्राज्य जो तुम चाहते हो।